मस्जिद नबवी के तर्ज पर मस्जिदों को वजूद में लाया जाए। ऐसा होता है बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी रहती हैं, मकतब नहीं चलते हैं, लेकिन अक्सर मस्जिदों में मकतब चलते हैं। मकतब से बढ़कर के भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी में क्या कुछ चलता था। जैसे आजकल बहुत व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, अभी कल ही के पेपर में आपने पढ़ा होगा ना कि नए हिंदुस्तान में मदरसों की जरूरत नहीं है। पढ़े होंगे ना, नए हिंदुस्तान में हमको मकातिब की और मदारिस की जरूरत नहीं है। मदरसे से कौन डरता था मालूम है? ये अंग्रेज डरते थे। इनको मालूम है कि हमारा बोरिया बिस्तर बांधने वाला हिंदुस्तान में अगर कोई था तो कौन था? ये मदरसे वाले। और उन्हीं अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने वाले, उनके तलवे चाटने वाले ऐसा ही ऐलान करते हैं कि हमको इस हिंदुस्तान में, भारत में मदरसों की जरूरत नहीं। वरना हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू हो, दलित हो, ओबीसी हो, गैर मुस्लिम हो, वो तो हमारे इलाके के जो मकतब और मदरसे होते थे ना, उनके बच्चे खुद आके पढ़ते थे। उनको वहाँ तहजीब मिलती, तमद्दुन मिलता, अखलाक मिलता, जैसे आज मिलता है वैसे कल भी मिलता था। तो हमको इस मदरसे का क्या करना है? मुनज़्ज़म शक्ल देना है। और इससे पहले दो चार महीने पहले ये ऐलान होता था कि भाई अजान बंद कर दो और उसके गुंबद को छोटा कर दो और इसको फला। ये असल में इसलिए होता है ना कि हम मस्जिदों का सही तौर पर तारुफ नहीं कराते। मस्जिद का तारुफ इस तरह होना चाहिए कि मस्जिद पर अगर किसी बेवा की निगाह पड़े, वो बेवा कहीं ना जाए, किसी मालदार के चौपट पर ना जाए। हमारे माशरे में रहने वाले किसी बेवा को अगर पैसे की जरूरत हो, वो दौड़ करके मोहल्ले की मस्जिद में आए, उसको पैसा फराहम किया जाए। अगर किसी को भूख लगी हो ना, वो किसी मालदार के दरवाजे पर या किसी होटल में ना जाए, वो भूखा दौड़ करके मस्जिद में आए। जब उसकी निगाह मस्जिद के मनार पर पड़े, दौड़ कर आए, उस भूखे को खाना खिलाया जाए। अगर कोई प्यासा है मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, कोई मुसाफिर ऐसा है जिसको पानी की जरूरत है, वो दौड़ कर सबीलों पर ना जाए, वो दौड़ कर मालदारों के दरवाजे पर ना जाए। उसकी निगाह जब मस्जिद के मनार पर पड़े, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई नंगा हो, कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, कोई मिस्कीन हो, किसी को दर्द से कराह रहा हो, उसको हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बीमारी है, सर्दी है, कंबल की जरूरत है, जब किसी भी शख्स की निगाह, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, वो मस्जिद के मनार पर पड़े, दौड़ करके मस्जिद में आए। मस्जिदों से अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मतियों की जरूरत पूरी करने लगेंगे ना, तो इंशाल्लाह माई का कोई लाल ऐसा नहीं है जो कहेगा कि हमको अजान से तकलीफ होती है। वरना 99% से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं अजान जब होती है हम अपने बिल्डिंग के छतों पर चढ़ जाते हैं, अजान के कलिमात से हमको दिली सुकून मिलता है, हमारी रूह को, आत्मा को शांति मिलती है। आइए अब इसके बाद आज के इस जलसे के खतीब जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब कासिम दामत बरकातहू दावत देता हूँ, हजरत तशरीफ लाएं अपने कलिमात आलिया से नवाजें।